एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था। वेलकम बैक टू योर फेवरेट YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, यूं तो प्यार की कहानी हमेशा से ही दिल को छू जाती है और हर किसी के मन में एक उम्मीद जगा देती है। जहां आज की जनरेशन का प्यार को लेकर जो अंदाज है वो काफी अलग है, और ये भी कहा जाता है कि असली प्यार तो इससे पहले की जनरेशन किया करती थी। वहीं कुछ जवान लोगों ने भी अपने प्यार की दास्तां से ये साबित कर दिया है कि वो भी असली रोमांस करना जानते हैं। हालांकि पुरानी जनरेशन को टक्कर देना अभी भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियां हमें देखने को और सुनने को मिल जाती है जो कि ये साबित करती है कि ओल्ड स्कूल रोमांस का कोई टक्कर ही नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ था एक ऐसे ओल्ड एज होम में, जहां दो बुजुर्गों को अपनी जिंदगी का नया पड़ाव शुरू करने के लिए एक दूसरे का साथ मिला था। जी हाँ, त्रिशूर के रमा वर्मा पूरम में एक सरकारी ओल्ड एज होम है, जहां अक्सर वहां के बुजुर्ग साथ में बैठा करते हैं। और ये एक ऐसा ओल्ड एज होम है जिसमें बहुत सारी खुशियां देखने को मिलती है, और ये कोई आम ओल्ड एज होम नहीं है जहां पर लोग उदास मायूस बैठे रहते हैं। इसी खुशी के माहौल को बढ़ाया जब इसी ओल्ड एज होम के दो मेंबर्स ने आपस में एक दूसरे से शादी कर ली। जी हाँ, लक्ष्मी और मनन को एक दूसरे का साथ इसी ओल्ड एज होम में मिला। दरअसल लक्ष्मी और मनन एक दूसरे से पहली बार मिले तो इसी ओल्ड एज होम में थे, लेकिन लक्ष्मी को ये बात बहुत बाद में मालूम चली कि दरअसल मनन इससे पहले लक्ष्मी के गुजरे हुए पति के असिस्टेंट के तौर पर काम किया करते थे और वो उससे पहले भी मिल चुकी है। यही नहीं, बल्कि शुरुआत में इन्हें एक दूसरे का मालूम चला तो वो लक्ष्मी के गुजरे हुए पति की यादें ताज़ा करने के लिए दरअसल एक साथ बैठा करते थे, कोई ना कोई किस्सा सुनाते थे, जिससे कि लक्ष्मी अपने पति को याद करती और मनन अपने मेंटोर और अपने बॉस को याद करते थे। इसी समय के दौरान जब इन दोनों की बातचीत काफ़ी बढ़ गई तो इन दोनों को मालूम चला कि दरअसल ये दोनों इस दुनिया में अकेले हैं, इनका कोई नहीं है और एक साथ समय बिताना इन्हें अच्छा लगता है। कुछ समय बाद जब इन दोनों को एक दूसरे के लिए इनके दिलों में प्यार का मालूम चला तो दोनों ने इस उम्र में भी शादी करने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस उम्र में फिर से शादी करना कोई आसान काम नहीं है, वहीं इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दिया और ये शादी उन्होंने उसी जगह करने का फैसला किया जहाँ इन्हें एक दूसरे का साथ मिला। जी हाँ, इन दोनों की शादी हुई उसी ओल्ड एज होम में, और ये शादी हर रस्म और रिवाज के साथ हुई, जैसे कि मेहंदी, संगीत और ये सारे फंक्शन उस ओल्ड एज होम में ही किए गए। इस कपल ने ये साबित करके दिखाया दोस्तों कि प्यार में वाकई कोई उम्र नहीं होती और जिंदगी को एक और मौका देना जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ कुछ होता है टू में भी हमें कोई ऐसी प्रेम कहानी देखने को मिल सकती है, बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।